राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का आग्रह पत्र लेकर विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि महिला सशक्तिकरण व आदिवासी समाज को सर्वोच्च पद पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति हेतु 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में भाजपा गठबंधन NDA द्वारा घोषित महिला आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को व्यापक समर्थन मिले व इस पद पर आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देकर पूरे देश के आदिवासियों को गौरवान्वित करने भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सहित सभी दलों से समर्थन मांगा जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला भाजपा के पदाधिकारियों व नेताओं ने शहर के कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के निवास पहुंचकर उन्हें महिला सशक्तिकरण की दिशा में आदिवासी महिला को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने उनका समर्थन व मतदान हेतु आग्रह पत्र सौंपकर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने अपना मतदान देने का निवेदन किया। गौरतलब है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति पद हेतु भाजपा के नेतृत्व में शामिल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने एक अत्यंत गरीब आदिवासी परिवार से उठकर संघर्ष करते हुए राजनीति व समाज सेवा में निरंतर अपना जीवन पर्यंत योगदान देने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पश्चात उनकी भारी मतों से निर्वाचन हेतु भाजपा द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से समर्थन जुटाने के प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों ने मुर्मू के पक्ष में वोट देने की घोषणा की है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायकों से भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में समर्थन जुटाने का अभियान चलाया। इस अवसर पर जिला मंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ऐसी आदिवासी महिला है जिन्होंने बेहद ही कठिन व संघर्षमय चुनौतियों के बीच राजनीतिक व समाज सेवा का कार्य करते हुए अपनी पहचान बनाई है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन अनुसार जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है और इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी महिला है और बहुत ही गरीब परिवार से आए हैं उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए हैं और उनको विजय हासिल करने सभी वर्गों का समर्थन मिले, सभी दलों का समर्थन मिले। इस निमित्त छत्तीसगढ़ में जितने भी सत्तारूढ़ विधायक और सांसदगण हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन सब से समर्थन लेने के अभियान चल रही है और उसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला द्वारा दुर्ग के विधायक माननीय अरुण वोरा जी के यहाँ निवास पर जाकर हम लोगों ने निवेदन किया कि एक आदिवासी महिला को भारत के सर्वोच्च पद पर स्थापित करने के लिए आप अपना समर्थन दीजिए, मतदान कीजिए और इसके लिए हमारे सभी पदाधिकारी विधायक महोदय से निवेदन किया। हमें उम्मीद है वे दलगत भावना से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में अपना वोट करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।